हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट। ये हमारा फिफ्थ नंबर का लेक्चर है। अगर अभी तक आपने इसके आगे वाले 1 to 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप वो सारे लेक्चर देख सकते हैं। ये वाले लेक्चर में हम सबसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई सेट है तो उसके सबसेट कैसे दिखते हैं, किसको हम सबसेट कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पावर सेट किसको कहते हैं एंड उसके बाद लास्ट में हम यूनिवर्सल सेट के रिलेटेड बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसेट की, कि सबसेट की जरूरत क्यों है। उसके लिए मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आप कोई एक सेट ए बनाते हो कि जिसके अंदर आपके क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट है, कौन से आपके क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर आएंगे, यानी स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम जितने भी होंगे वो ये वाले कलेक्शन के अंदर आएंगे। दूसरा कलेक्शन बनाता हूँ बी, जो क्या है कि ऐसे सारे स्टूडेंट जो आपके स्कूल के अंदर हो, कहाँ पर हो, आपके स्कूल के अंदर हो। ऑब्वियसली यहाँ पर कलेक्शन ए एंड कलेक्शन बी दोनों आपके सेट बनेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसमें कौन से स्टूडेंट आएंगे वो आपको पता होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो कलेक्शन लिया है वो स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम लिया है एंड दूसरा वाला जो कलेक्शन है वो क्या है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपको पता है कि आपके क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट आपके स्कूल में तो हो गए ही, यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया कि आपके क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट लो वो आपके स्कूल के कलेक्शन में आएगा ही। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि सेट ए के अंदर जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सारे स्टूडेंट सेट बी के अंदर आएंगे ही, उसको ही हम सबसेट कहते हैं। मान लो कि आपके पास दो सेट है ए एंड बी। अब ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है तब हम कहेंगे ए सबसेट बी एंड ये इसका नोटेशन है। तो चलो अब हम उसको डिटेल्स में देखते हैं। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ ए सेट बी, यानी ए सेट को आप बी सेट का सबसेट कब कहोगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन एलिमेंट ऑफ बी। यानी अगर आपको ए एंड बी दो सेट है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है तब आप कहोगे कि ए है वो सबसेट होगा, किसका, बी का। उसके लिए सिंबल है ये ऐसे सी जैसा। द सिंबल सबसेट स्टैंड फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन इन, यानी क्या कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं तो आप कहोगे ए सबसेट बी, और आप कहोगे ए कंटेन इन बी, यानी जो आपके पूरा ए है वो सेट बी के अंदर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए सबसेट बी है तो यहाँ पर दोनों साइड क्या हो गए, सेट हो गए। यहाँ पर ए भी आपका कैसा है, सेट है एंड बी भी है वो आपका क्या है, सेट है। जबकि हमने बिलोंग्स टू का एंड डस नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल देखा था कि अगर कोई स्मॉल ए एलिमेंट कोई सेट ए के अंदर आ रहा है तब लेफ्ट हैंड साइड पर जो होता था वो आपका एलिमेंट था एंड राइट हैंड साइड पर जो कैपिटल ए है वो आपका सेट था। एंड यहाँ पर दोनों साइड सेट हो गए, वहां पर एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पर एलिमेंट एंड राइट हैंड साइड पर सेट होगा। ए सबसेट बी ऐसे कब कहोगे कि इफ A belongs to A implies A belongs to B for every A belongs to A। यानी सेट A के सारे एलिमेंट सेट B के अंदर आ रहे हैं तब आप कहोगे A subset B। We read A is a subset of B if, यहाँ पर ये जो सिंबल है वो किसके लिए है, सबसेट के लिए। If A is element of A, यानी यहाँ पर ये किसका सिंबल है, एलिमेंट बताता है कि जो स्मॉल A एलिमेंट है वो कैपिटल A सेट के अंदर आ रहा है। implies that A is also an element of B, यानी कोई भी एक एलिमेंट आप सेट A का उठाओ वो एलिमेंट आपको सेट B के अंदर मिल रहा है तब आप कहोगे A subset B।
अगर ऐसा एक भी एलिमेंट होगा कि जो सेट ए का सेट बी में नहीं है, तब आप कहोगे ए डस नॉट सबसेट बी, एंड उसके लिए नोटेशन है ऐसे कि आपको सी बना देना है एंड उसके ऊपर क्रॉस मार्क बना देना है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके पास सेट ए है, उसके अंदर है 1, 2, 3। सेट बी है जिसके अंदर है 1, 2, 3 एंड 4। एंड मैं और एक सेट सी बनाता हूँ जो है आपका 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेट ए के सारे एलिमेंट, ये आपके सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है, क्योंकि 1 है तो 1 यहाँ पर है, 2 है, 2 भी यहाँ पर है, 3 है, वो 3 भी यहाँ पर है। तो आप क्या कह सकते हो इसके ऊपर से कि ए सबसेट बी। अब आप ए एंड सी के बारे में देखो कि सेट ए एंड सेट सी, तो यहाँ पर क्या है कि 1 है वो यहाँ पर नहीं है, यानी आपको एक एलिमेंट ऐसा मिल गया कि जो सेट ए के अंदर है लेकिन सेट सी के अंदर नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि ए डज नॉट सबसेट सी। नेक्स्ट है इक्वल सेट। आप दो सेट को इक्वल कब कहते थे उसकी बात हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में की है, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक है, वहां से आप वो लेक्चर भी देख सकते हो। उसमें हमने देखा था कि इक्वल सेट कब कहेंगे कि अगर दो सेट आपके पास है ए एंड बी, वो दोनों को इक्वल कहना है तो क्या होना चाहिए, दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, तब हम कहेंगे कि वो दोनों इक्वल सेट हो गए। तो यहाँ पर आप देखो कि इक्वल सेट क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ, यानी यहाँ अगर इतना होता है तो आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो, एंड अगर राइट हैंड साइड वाला ये स्टेटमेंट हो रहा है तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इसलिए यहाँ पर दोनों साइड इम्प्लीकेशन मैंने लगाए हैं। तो ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, यानी ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो आप क्या कहोगे, ए सबसेट बी हो रहा है, एंड उल्टा बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो आप कहोगे बी सबसेट ए। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि ए के सारे एलिमेंट दूसरे में है एंड बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो वो दोनों सेट कैसे हो जाएंगे इक्वल। उसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लो कि आपके पास कोई सेट ए है, उसके अंदर 1, 2, 3 एलिमेंट है, एंड दूसरा कोई सेट बी है जिसके अंदर भी 1, 2, 3 एलिमेंट है। अगर आपको ये दोनों को इक्वल बताना है तो आप इतना बता दोगे तो भी आपका काम चलेगा, क्या ए सबसेट बी। अगर आपको ए सबसेट बी बताना है, टू सो ए सबसेट बी, तो आपको क्या करना होगा कि ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर हम ओरली चेक कर लेते हैं कि सेट ए के अंदर 1 है वो सेट बी के अंदर है, ये रहा। सेट ए का दूसरा मेंबर है 2, तो वो भी यहाँ पर है सेट बी के अंदर। तीसरा मेंबर है 3, उसका भी नाम 3 है, तो वो क्या होगा, वो भी सेट बी के अंदर है। तो यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि ए सबसेट बी हो रहा है। अब हम दूसरा चेक करते हैं कि बी सबसेट ए हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर क्या देखोगे आप, बी में से कोई एक एलिमेंट उठाओ, यानी 1 उठाया, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेट ए के अंदर, यस। वैसे 2 उठाया, वो भी यहाँ पर आपको दिख रहा है। वैसे 3 उठाया, वो भी आपको सेट ए के अंदर दिख रहा है, यानी बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। ये दोनों के ऊपर से आपके हो गए कि ए इक्वल टू बी है, एंड हमें वैसे भी पता है कि ये दोनों सेट कैसे है, इक्वल सेट है। मैं इसके लिए दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपके पास सेट ए है जो है 1, 2, 3, दूसरा सेट बी है जो लेता हूँ 1, 2, 3 एंड 4। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है एंड सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो वो दोनों के पास एग्जैक्टली सेम नंबर एंड सेम एलिमेंट नहीं है।
तो वो हमें पता है कि a does not equal to b है। अब हम सामने वाली जो कंडीशन थी यानी ये वाली कंडीशन वो चेक करते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखो कि a सबसेट b तो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि a में से कोई भी एलिमेंट उठाओ, चाहे 1, 2 या 3, ये तीनों एलिमेंट आपको b के अंदर दिख रहे हैं। तो a सबसेट b तो है, लेकिन b के सारे एलिमेंट सेट a के अंदर नहीं है। कौन सा नहीं है? ये 4 4 है वो सेट b के अंदर है, लेकिन सेट a के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हो गया b does not subset a, यानी ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन गलत हो जाती है, यानी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ये वाली या फिर ये वाली। तो आप कह दोगे कि a equal to b नहीं होगा। For any set a, phi is a subset of a, यानी phi के अंदर के सारे एलिमेंट्स कोई भी सेट a उठाओ उसके अंदर हो गए ही। क्यों हो गए? क्योंकि आपने phi लिया है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। हमें क्या चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड के सेट में से कोई भी एलिमेंट उठाओ वो राइट हैंड वाले सेट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है ए सबसेट ए, यानी कोई भी सेट वो खुद का सबसेट होगा ही। क्यों होगा? आप मान लो कि आपके पास कोई भी सेट ए है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट आपके पास है। अब उस सिंप्लिसिटी के लिए मैं 1, 2, 3 और 4 ले लेता हूँ। अब आप यहाँ से एंड दूसरा सेट ए लेता हूँ, उसमें भी कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4 ही हो गए। अब यहाँ पर से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ वो यहाँ पर होगा, तो इसलिए आप कह सकते हो ए सबसेट ए। अदरवाइज ऐसे नहीं देखना है, तो आप दूसरा जो हमने इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन देखी थी इक्वल के लिए, हमें पता है कि ए इक्वल ए तो है। इफ एंड ओनली इफ क्या मिलेगा? ए जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ए है वो राइट हैंड साइड वाले ए से सबसेट होगा, एंड जो राइट हैंड साइड वाला ए है वो लेफ्ट हैंड वाले साइड के ए के सबसेट होगा। तो ए सबसेट ए, लेकिन यहाँ पर तो ए ए दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? ए सबसेट ए, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट ए। तो हमें पता है कि ये दोनों तो इक्वल है, तो उसके ऊपर से आप कह सकते हो कि ए सबसेट ए ऑलवेज होगा। नेक्स्ट है सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है? R, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? रेशनल एंड इरेशनल एलिमेंट सेट R के अंदर आते हैं। तो उसके कुछ सबसेट देखते हैं। सबसे पहला सबसेट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या आता है? 1, 2, 3, 4 एंड एक्सेट्रा। तो हमें पता है कि ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर के सेट R है उसके अंदर तो आएगे ही, इसलिए क्या हो जाएगा? n R का सबसेट हो जाएगा। n छोटा सेट है as compared to R। भले ही यहाँ पर दोनों में इनफाइनेटली एलिमेंट है, लेकिन n के सारे एलिमेंट R के अंदर है। तो क्या उल्टा ट्रू है कि R के सारे एलिमेंट n के अंदर है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि 0 R के अंदर है। R सेट ऑफ रियल नंबर है, उसके अंदर 0 भी आता है, लेकिन वो आपके नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? R does not subset n, but n subset R, n subset R आपको मिलेगा। उसके बाद है the set of whole number। whole number में क्या होगा? additionally 0 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 etc। तो यहाँ पर भी सारे होल नंबर आपके रियल नंबर बनेंगे ही, क्योंकि रियल नंबर क्या है? रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का दोनों का कलेक्शन है। तो ये सारे आपके कैसे नंबर हो जाएंगे? रेशनल नंबर, क्योंकि ये सभी के डिवाइड में 1, 1 लगा दो तो वो सारे आपके रेशनल नंबर बन जाएंगे, इसलिए वो आपका रियल नंबर भी बन जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आएगा? W सबसेट R। उसके बाद है द सेट ऑफ इंटीजर्स।
तो यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स के सेट में क्या आएगा, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एंड नेगेटिव नंबर -1, -2 एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे नंबर भी आपके रियल नंबर के सेट के अंदर आ रहे हैं, इसलिए जेड सबसेट आर हो जाएगा। तो यहाँ पर एन भी आर का सबसेट है, डब्ल्यू भी आर का सबसेट है एंड जेड भी आर का सबसेट है। तो क्या ये एन डब्ल्यू एंड जेड के बीच में कोई रिलेशन हो सकता है? तो इसका आंसर है मे बी यस और मे बी नॉट। तो एन डब्ल्यू एन एंड जेड के, तो यहाँ पर तो हमें एन डब्ल्यू जेड एन डब्ल्यू एंड जेड के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है वो हमेशा कोई रिलेशन होगा ही, यानी सबसेट बनेंगे ही। तो यहाँ पर क्या है कि सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ सकते हो आप, क्योंकि वन यहाँ पर है, टू भी है, थ्री भी है, फोर भी है, तो क्या हो गया एन सबसेट डब्ल्यू। अब सारे होल नंबर है वो इंटीजर्स में आते हैं, तो ये हो जाएगा जेड। तो एन सबसेट डब्ल्यू सबसेट जेड हमें मिला। नेक्स्ट सेट है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, यानी ऐसे सारे नंबर का कलेक्शन है जिसको आप p by q फॉर्म में लिख पाओगे, जहां पर p एंड q आपके इंटीजर्स हो गए एंड डिनोमिनेटर q डस नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सारे नंबर r के अंदर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा q सबसेट r। उसके बाद है द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, यानी ऐसे नंबर जो आपके रेशनल नंबर के कलेक्शन के अंदर नहीं आ रहे हैं लेकिन रियल नंबर के कलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। उसका नोटेशन है आई या फिर टी, दोनों में से कोई भी नोटेशन चलता है। तो यहाँ पर मैं टी का यूज कर रहा हूँ, टी सबसेट आर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सारे इरेशनल नंबर आपके सेट आर के अंदर तो आ ही रहे हैं, इसलिए हमें टी सबसेट आर मिलेगा। आपके लिए कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने रखी है, आप पहले वीडियो पॉज करके ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कीजिए एंड उसके बाद आप फिर से आगे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक आपने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल कर ली होगी, अब मैं फिल करता हूँ। एन फिलिंग द ब्लैंक डब्ल्यू, एन ब्लैंक डब्ल्यू, तो उसका मीनिंग क्या है कि आपको यहाँ पर सबसेट होगा या डस नॉट सबसेट होगा वो लिखना है। तो एन के सारे एलिमेंट डब्ल्यू के अंदर है ही, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसेट। वैसे डब्ल्यू के सारे एलिमेंट जेड के अंदर है, तो यहाँ पर भी सबसेट। जेड के सारे एलिमेंट क्यू के अंदर है, क्योंकि आप क्यू को वन ले लो एंड पी को सारे इंटीजर्स रहने दो, तो जेड आपका क्यू का सबसेट बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसेट आएगा एंड सारे रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, तो यहाँ पर आ गया सबसेट आर। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, एन भी आर का सबसेट है, डब्ल्यू भी आर का सबसेट है, जेड भी आर का सबसेट है, वैसे ही क्यू भी आर का सबसेट है। वैसे क्यू के सबसेट कौन कौन से मिलेंगे, ये तीनों। जेड के सबसेट कौन कौन से मिलेंगे, ये दोनों। डब्ल्यू के सबसेट क्या हो गए, ये अकेला फर्स्ट वाला। उसके बाद है टी ब्लैंक आर, तो यहाँ पर क्या है कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर ब्लैंक आर, तो वो यहाँ पर मैंने फिल किया ही, क्या आएगा सबसेट। उसके बाद है एन ब्लैंक टी, यहाँ पर एन क्या है नेचुरल नंबर एंड टी है आपके इरेशनल नंबर, तो n तो हमारा रेशनल नंबर बन जाता है, कोई भी नंबर n में से उठाओ तो वो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा। तो ये 1 तो आपका कैसा है रेशनल है, तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक एलिमेंट सिर्फ आपको मिलना चाहिए कि जो t के अंदर ना हो, तो वो हमें 1 ही मिल गए। वैसे कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाओगे वो एक भी एलिमेंट t के अंदर नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, यानी आर के और सबसेट है जिसको हम इंटरवल कहते हैं। सबसे पहला है क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ पर देखो
यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज इंटरवल ए बी। एंड उसको उसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे x डेट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। यहाँ पर आपके ऐसे सारे नंबर्स आएंगे जो a एंड b के बीच में आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा सेट है ओपन इंटरवल ए बी, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैंने दोनों जगह पर कर्व ब्रैकेट यूज किए हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे एक्स डेट ए लेस देन एक्स लेस देन बी। यहाँ पर आपको ए एंड बी की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद है क्लोज ओपन इंटरवल ए बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर क्लोज रखो एंड राइट हैंड साइड पर ओपन रखो। तो उसमें क्या आएगा कि आपको ए की वैल्यू इंक्लूड करवानी है, तो ए के साइड लेस देन इक्वल टू लगा दो एंड बी की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन रखो एंड यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लगा दो। नेक्स्ट सेट है ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका आप खुद से लिखने की ट्राई कीजिए। क्या होगा, एक्स डेट यहाँ पर a के पास आपको ओपन रखना है, यानी a को इंक्लूड नहीं करना है, तो a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। तो जहां पर भी ओपन आए वहां पर यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा। अगर इसको नंबर लाइन पर आपको देखना है तो क्या होगा, मान लो कि ये आपके नंबर लाइन है, यहाँ पर a है एंड यहाँ पर b है। मैं यहाँ पर सारे केस में a लेस देन b है ऐसा कंसिडर कर रहा हूं, यानी b की वैल्यू a से ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पर a है एंड यहाँ पर b है, यहाँ पर हमें a एंड b दोनों की वैल्यू को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पर भी डार्क कर दो, यहाँ पर भी डार्क, एंड ये पूरी लाइन का सेगमेंट आपका ये सेट बनेगा, यानी ये सेट ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा सेट है वो क्या है, ओपन इंटरवल ए बी, तो मान लो कि ये आपका a है ये आपका b है, तो ये सेट आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पर a की वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, यानी ओपन बॉल बना दो आप, एंड उसके बीच की वैल्यू आपको लेनी है, तो यहाँ पर आपको डार्क बना देना है। तो ये सेट ये रिप्रेजेंटेशन करता है। वैसे ही जो थर्ड है वो क्या होगा, ये आपका a है ये आपका b है, उसमें a की वैल्यू को इंक्लूड करना है, तो यानी a की जगह पर आपको डार्क फिल कर देना है एंड b की वैल्यू आपको इंक्लूड नहीं करनी है, तो आपको b के पास ओपन बॉल बनाना है। तो ये आपका बन गया क्लोज ओपन इंटरवल ए बी, ये वाला रिप्रेजेंटेशन करता है। वैसे सेम आप लास्ट वाला भी खुद से ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए एंड उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर a के पास ओपन तो यहाँ ओपन एंड b के पास आपको फिल कर देना है, तो ये सेट आपका ये वाला बन जाएगा। इन यहाँ पर सारे जो x है वो आपको लेने हैं रियल नंबर के सेट में से। द नंबर b माइनस a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, ओपन इंटरवल ab, क्लोज इंटरवल ab, क्लोज ओपन इंटरवल ए बी और ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कोई भी इंटरवल आपको चाहे ओपन दे क्लोज ओपन या ओपन क्लोज, चारों में से कोई भी टाइप की इंटरवल दे एंड उसकी लेंथ क्या होगी, लास्ट एलिमेंट यानी बी माइनस ए। तो आप मुझे बताओ कि ओपन इंटरवल 2,3 की लेंथ क्या होगी, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। वैसे ही अगर 5 क्लोज में एंड 8 है ओपन में, तो उसका इंटरवल की लेंथ क्या होगी, 8 - 5 यानी आएगा 3। वैसे ही क्लोज इंटरवल -2,3 है एंड यहाँ पर भी क्लोज है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 - -2, तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5। तो क्लोज इंटरवल 2,3 की लेंथ है 5। नेक्स्ट टॉपिक है पावर सेट, तो अब हम देखते हैं पावर सेट किसको कहते हैं। तो आप 1 एंड 2 के कलेक्शन को कंसीडर कीजिए,
एंड उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट बन रहे हैं उसका मैं कलेक्शन लेता हूँ। मान लो कि हमें पता है कि 5 तो किसी भी सेट का सबसेट बनेगा इसलिए ये आएगा, वो खुद सेट उसका सबसेट बनेगा यानी ये सेट भी आएगा। ये दो तो हो गए, अब मैं सिंगलटन 1 लेता हूँ तो चेक करो कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। यहाँ पर ओनली 1 एलिमेंट है एंड वो ये वाले सेट के अंदर आ रहा है इसलिए सिंगलटन 1 ये सेट का सबसेट बनेगा। वैसे ही सिंगलटन 2 भी बनेगा ये सेट का सबसेट। तो ये चार आपको सबसेट मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी सेट लोगे वो ये वाले सेट का सबसेट नहीं बनेगा। वैसे ही आप 1, 2, 3 लेते हो तो 5 एंड 1, 2, 3 तो इसके सबसेट हो गए ही, ये दोनों तो फिक्स है। उसके बाद सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 3 ले लो। तो सिंगलटन 1, सिंगलटन 2 एंड सिंगलटन 3, ये दो, ये तीन आ गए। उसके बाद दो दो की पेयर बनाओ यानी 1, 2 उसके बाद 2, 3 उसके बाद 3, 1 या फिर 1, 3। तो ये हो गए उसके सबसेट, किसके? ये वाले सेट 1, 2, 3 के। अब मैं ये सबसेट मिलते हैं उसका कलेक्शन बनाऊ यानी हमें ये जो सबसेट मिले उसका मैं कलेक्शन ले लूँ ये वाला या फिर ऊपर वाला सेट था उसका ये वाला। तो ये जो मुझे मिलेगा उसको हम कहेंगे पावर सेट। पावर सेट किसका? पावर सेट ये वाले सेट का। तो अब हम उसकी डेफिनेशन ध्यान से देखते हैं। तो पावर सेट किसको कहेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। अगर आपके पास सेट ए इज इक्वल टू 1, 2 है तो उसका पावर सेट क्या बनेगा? 5 एंड वो सेट खुद तो आ ही जाएगा। उसके बाद सिंगलटन एंट्री ले लो 1 एंड 2। तो यहाँ पर पावर सेट के अंदर मुझे 4 एंट्री मिली। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हो कि अगर मैं n ऑफ p ऑफ a लिखता हूँ तो इसका मीनिंग क्या है कि पावर सेट p ऑफ a के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 4 इज इक्वल टू 2 रेस टू 2। तो इन जनरल अगर आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है, n ऑफ a का मीनिंग क्या हुआ कि सेट a हैव m एलिमेंट्स, तो आपको n ऑफ p ऑफ a यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट मिलेंगे? 2 रेस टू m। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके सेट a है उसके अंदर 6 एलिमेंट है तो उसका पावर सेट बनाओगे उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? तो वो हो जाएंगे 2 रेस टू 6 जितने। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ ऑल द रिलेटेड सेट। यानी मैं एक एग्जांपल दूं, जब हम स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम, स्टूडेंट ऑफ स्कूल वैसे सेट की बात कर रहे थे तब हमारा यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? ऐसा सेट होगा जो ये क्लासरूम वाला एंड ये स्कूल वाला ये दोनों को कंटेन कर रहता हो, यानी इससे बड़ा वाला कोई सेट होगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट बनेगा। बेसिकली यूनिवर्सल सेट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही आप यूनिवर्स समझते हो कि यूनिवर्स क्या है कि हमारा ब्रह्मांड यानी जिसके अंदर सब कुछ आ जाते हैं यानी हम सभी उसके अंदर आ जाते हैं उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो जब भी आप कोई सेट की बात करोगे तब आपके यूनिवर्सल सेट उसके रिलेटेड होंगे। कौन से सेट? कि जब आप कोई पर्टिकुलर सेट ए की बात कर रहे हो तब आपका यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है, मान लो कि ये है। लेकिन आप जब सेट बी की बात करो तब मे बी आपका यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है एंड कोई डिफरेंट भी आपको मिल सकता है। तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब आप आसानी से समझ जाओगे कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है एंड कैसे ले सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा सबसेट किसको कहते हैं, कि अगर आपको
ए सबसेट बी बताना है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे तब आप कहोगे ए सबसेट बी। अगर आपको सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है कि जो सेट बी के अंदर नहीं है तब आप कह दोगे कि ए डस नॉट सबसेट बी। उसके बाद देखा था इक्वल वाला कि इक्वल सेट कब कहेंगे, उसकी ऑलरेडी डेफिनेशन हमने देखी ली है इसके आगे वाले लेक्चर में, लेकिन ये यहाँ पर और एक कंडीशन मिलती है इन टर्म्स ऑफ सबसेट। तो ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए। उसके बाद हमने देखा पावर सेट। पावर सेट किसको कहेंगे कि ऑल पॉसिबल सबसेट एंड उसका कलेक्शन ले लो, वो आपका बन जाएगा पावर सेट। एंड वो कलेक्शन है वो आपका सेट बनेगा एंड वही सेट को हम कहते हैं पावर सेट। अगर आपके पास सेट ए है एंड उसके ऑल पॉसिबल सबसेट लेके आप सेट बनाते हो उसको नोटेशन के, तो उसका नोटेशन है पी ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए। उसके यहाँ पर हमने एक नोट देखी थी कि अगर आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर m एलिमेंट है तो पावर सेट ऑफ ए होगा उसके अंदर 2^m एलिमेंट हो गए। उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट की बात की थी। तो यूनिवर्सल सेट क्या कि सबसे बड़ा वाला सेट, जब भी आप कोई सेट की बात कर रहे हो तब सबसे बड़ा वाला जो सेट होता है उसको ही हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड उसके पास में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दीक्षित पटेल फ्रॉम लेट्स लर्न। थैंक यू।